प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कल की वीडियो में हमने भूगोल का चौथा अध्याय कृषि शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने कुछ बातें कृषि के बारे में पढ़ी थी। सबसे पहले हमने कृषि की परिभाषा पढ़ी, जिसमें बताया गया कि एक ऐसी कला या विज्ञान जिसके द्वारा भूमि को जोत करके फसलें उगाई जाती हैं, उसे हम कृषि कहते हैं। उसके बाद हमने बताया कि हमारे देश में कृषि का महत्व क्या है या भारत को एक कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है, उसके बारे में बताया कि मोर देन 60% पॉपुलेशन जो है वो हमारे देश की जीविका कृषि से चलाती है। ज्यादातर जनसंख्या को भोजन और पशुओं को चारा कृषि से मिलता है। कई फसलों को निर्यात करके हम विदेशी मुद्रा कमाते हैं और कई उद्योगों को कच्चा माल कृषि से मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा कृषि के प्रकार, जिसमें प्रमुख रूप से उपयोग में आने वाली तकनीक के आधार पर तीन भाग बनाए थे। पहला भाग आदिकालीन जीविका कृषि था, जो कि कृषि का सबसे पुराना ढंग है। ये भी आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में होता है, खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में। दूसरी हमने पढ़ी थी गहन जीविका कृषि, जो जनसंख्या अधिक और भूमि कम होती है वहां पर की जाती है। तीसरा हमने पढ़ा था रोपण कृषि, जिसे व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि भी कहते हैं। इसमें लंबे चौड़े क्षेत्रफल पर एक ही फसल उगाई जाती है। इन तीनों प्रकार की कृषि की प्रमुख विशेषताएं कल हमने पढ़ी थी। आज इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले हमारे देश के सस्ते ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। सस्ते का अर्थ होता है बोना, यानी जो फसलों को बोने और काटने का समय है उसके आधार पर हमारे देश में कितनी ऋतुएं आती हैं। सबसे पहली ऋतु खरीफ। खरीफ ऋतु, इसमें आप प्रमुख रूप से यही ध्यान रखेंगे कि वो फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है और उसके अंतर्गत बोई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन सी। खरीफ फसल, जहां तक इसके बोने की बात है, तो मानसून आगमन के समय, जब हमारे देश में मानसून शुरू होता है, जिसका औसत समय 1 जून केरल के तट पर है और धीरे धीरे 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में फैल जाती है, तो कहने का मतलब ये है कि ये फसल जून और जुलाई में बोई जाती है और जैसे ही मानसून वापिस जाता है सितंबर अक्टूबर, उस समय ये फसल काट ली जाती है। ये इसके बोने और काटने का समय है। जो प्रमुख फसलें इस दौरान होती हैं, उनमें कपास, उनमें बाजरा, उनमें चावल आदि प्रमुख फसलें खरीफ की प्रमुख फसलों में आती हैं। उसके बाद आती हैं रबी की फसलें। जैसे ही खरीफ की फसलों की कटाई होती है, गर्मी की ऋतु खत्म होती है, सर्दी की ऋतु शुरू होती है, यानी नवंबर दिसंबर, उस महीने में इन फसलों को बोया जाता है और गर्मी की ऋतु शुरू होते समय मार्च अप्रैल में इन्हें काट लिया जाता है। ये सर्दी की ऋतु की फसलें हैं, जिनमें प्रमुख रूप से चना, सरसों, गेहूं, ये हमारे भारत की प्रमुख रबी की फसलें हैं। इन दोनों फसलों के बाद एक छोटा सा समय ऐसा आता है जब देश में गर्म और शुष्क मौसम होता है, छोटी अवधि के लिए, खासकर मई जून में। उस दौरान जो फसलें बोई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं जायद की फसलें। इनमें प्रमुख रूप से हमारे देश में सब्जियों की खेती की जाती है, जैसे कि खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि, ये प्रमुख जायद की फसलें। इस तरह हम अपने देश के एक वर्ष को तीन सस्ते ऋतुओं में बांटते हैं, खरीफ, रबी और जायद। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो कृषि की दशा बहुत पिछड़ी हुई थी। अंग्रेजों ने कृषि के करने के ढंग को जिस तरह से परिवर्तित किया था, उसमें केवल अंग्रेजी सरकार और बड़े बड़े जमींदारों का ही मुनाफा था। इसलिए आजादी के तुरंत बाद जब हमारे देश को आजादी मिली, या कहीं कि स्वतंत्र हुआ देश, स्वतंत्रता के बाद
हमारे देश की सरकार ने कृषि की दशा को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए, क्योंकि कृषि के सुधारने से हमारे देश की दो तिहाई जनसंख्या के जीवन को सुधारा जा सकता था। इसलिए जब भी देश के विकास के लिए योजनाएं बनी, चाहे वो कोई भी योजना हो, चाहे वो पंचवर्षीय योजना हो, उस पर सबसे पहले खेती पर ध्यान दिया गया। इसका प्रमुख कारण ये था कि देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और हमें खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता था, तो कृषि पर ध्यान देश होने के नाते सबसे पहले हमें खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि की दशा को सुधारना था। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि आजादी या स्वतंत्रता के बाद सरकार ने कृषि की दशा को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए। जहां तक सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की बात है, उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहले सुधार जो हमने किए उन्हें कहते हैं संस्थागत सुधार। संस्थागत सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले जिस सुधार को भारत सरकार ने किया वो था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। ये भूमि के बंदोबस्त की एक प्रथा जो अंग्रेजों ने चलाई थी कि हर गांव में, हर क्षेत्र में जितने भी अंग्रेजों के विशेष व्यक्ति थे जो उनकी मदद करते थे, उन्हें अंग्रेजों ने जमींदार घोषित कर दिया था और गांव की सारी भूमि उन्हीं व्यक्तियों को दे दी थी। आगे वो व्यक्ति उस भूमि को पट्टे पर, ठेके पर किसानों को देते थे। किसानों से ज्यादा कर लिया जाता था कुछ जमींदार अपने पास रखने के लिए, तो कुछ अंग्रेजी खजाने में जमा करवाने के लिए कर लेते थे। कहने का मतलब ये है कि किसानों के पास बहुत कम बचता था, इसलिए किसान कृषि की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसलिए वो पिछड़ती चली गई। तो भारत सरकार ने सबसे पहला यही सुधार किया कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है उस प्रथा को जड़ से खत्म कर देना। उसको खत्म करके वो जितनी भी भूमि थी वो भूमि जोतने वालों को देगी, क्योंकि जोतने वालों को किसान कहा जाता था। कहने का मतलब ये है कि जमींदारों से लेकर के और वो भूमि किसानों ने बांट दी गई। तब जब किसानों को ये लगा कि ये भूमि अपनी है और हमें ही इस पर खेती करनी है और खेती हमारे पास ही रहेगी, तो उन्होंने बड़े मन लगा करके खेती की, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद दूसरा संस्थागत जो सुधार हुआ उसमें सबसे प्रमुख था भूमि की चकबंदी। चकबंदी का मतलब होता है कि भूमि को इकट्ठा करना। पहले एक किसान के पास अगर 4 एकड़ जमीन है तो गांव की चारों दिशाओं में वो टुकड़ों में बटी होती थी, जिसके ऊपर ना तो वो कोई ट्यूबवेल या सिंचाई का साधन लगा सकता था और ना ही उसके लिए कोई मशीन खरीद सकता था। सरकार ने हर किसान की भूमि को एक तरफ इकट्ठा कर दिया, जिससे उसका आकार बढ़ गया और हर प्रकार की सुविधा उनके ऊपर किसान उपलब्ध करा सके। तीसरी जो संस्थागत सुधारों में बात आती है उसमें आती है कि सहकारी बैंकों की स्थापना। सहकारी बैंकों की स्थापना में उन्होंने प्रमुख रूप से हर ग्रामीण क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक स्थापित किए, जिससे किसानों को आसान किस्तों पर चुकाने और कम ब्याज की दर पर उपलब्ध ऋण हो गया। पहले किसानों को ये कर्जा बड़े बड़े साहूकार जमींदारों से लेना पड़ता था, जिसमें ब्याज की दर अधिक होती थी और किसान एक तरह से उन जमींदारों के कर्ज जाल में फंस जाते थे। उस समस्या को खत्म करने के लिए सहकारी बैंकों की स्थापना की। चौथा संस्थागत सुधार ये किया गया था कि किसान की हर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया गया, ताकि वो व्यापारियों के शोषण से बच सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल को बोए जाने से पहले सरकार के द्वारा किए गए मूल्य घोषित मूल्य को कहते हैं। इससे किसानों को ये गारंटी दी जाती है कि उनकी फसल उस न्यूनतम कीमत पर तो सरकार के द्वारा खरीदी ही जाएगी, जिसके आधार पर वो किसी भी प्रकार की व्यापारिक या बिचौलियों के चंगुल से बच जाता है। ये हम कह सकते हैं कि वो प्रमुख संस्थागत सुधार थे जो भारत सरकार ने आजादी के तुरंत बाद कृषि की दशा को सुधारने के लिए किए। उसके बाद आते हैं कुछ तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधारों में सबसे प्रमुख आता है सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन, क्योंकि हमारे देश में
ज्यादातर कृषि वर्षा पर आधारित थी, और वर्षा जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे देश में मानसून से होती है, जो कि अनिश्चित और अनियमित होती है। उस वर्षा पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने जगह जगह नहरें बनवाई, नदियों पर बांध बनवाए, और इसके अलावा जिन क्षेत्रों में नहरें नहीं है वहां पर ट्यूबवेल नलकूप लगा करके और बिजली की व्यवस्था करके सिंचाई के साधनों को बढ़ाया। इससे वर्षा पर निर्भरता कम हो गई और कृषि में उत्पादन ज्यादा हुआ। दूसरी चीज हम देखते हैं कि तकनीक के माध्यम से रेडियो और टीवी के ऊपर अनेक प्रकार के कृषि से संबंधित प्रोग्राम या कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, और मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी किसानों को दे करके उनकी फसल को होने वाले नुकसान या फसल के बोने का तरीका, उनमें प्रयोग होने वाले बीज खाद आदि चीजों की जानकारी दी जाती है, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला। इसके अलावा आज जो सबसे प्रमुख काम सरकार ने किया है वो है फसल का बीमा। हर किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकता है, जिसके कारण फसल पर किसी भी तरह का जो जोखिम होता है कि जलवायु खराब हो गई, तूफान या अन्य मौसम की मार से फसल बर्बाद हो गई, तो सरकार के द्वारा उस फसल का पूरा बीमा किसान को दिया जाता है। चौथा ये है कि आज हर किसान के पास KCC किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके द्वारा वो अपनी जमीन पर बैंक से लोन लेकर के और अपनी हर कृषि की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसके अलावा सड़कों का निर्माण किया है, जिसके द्वारा किसान अपनी फसल को निकटतम मंडी में बड़ी आसानी से बेच करके और व्यापारियों के द्वारा किए जाने वाले शोषण, बिचौलियों के द्वारा किए जाने वाले शोषण से बच सकता है। तो इस प्रकार हम ये विभिन्न प्रकार के तकनीकी और संस्थागत सुधार जो आजादी के बाद भारत सरकार ने किए थे उनके बारे में लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर के अंदर जो ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है उसके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और इसको हम बड़े अच्छे ढंग से इस तरह से अलग अलग पॉइंट में याद कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारी सरकार ने जो प्रयास किए थे, प्रमुख रूप से जिन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, अच्छे बीजों के लिए जैसे कि बोला जाता है XYB हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी उच्च उत्पादकता वाले बीज, इनको किसानों के लिए उपलब्ध कराया। इसके साथ ही उन्होंने उर्वरक, जिस प्रकार हमारे देश की भूमि में नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा करने के लिए उर्वरक उपलब्ध कराए, और फसलों में लगने वाले रोगों को खत्म करने के लिए कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किसानों को ज्यादा से ज्यादा बताया, और इसके साथ साथ सिंचाई के साधन, ये 4 ऐसे तरीके अपना करके सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे देश के लोगों की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल और गेहूं, इन दो के उत्पादन को विशेष तौर पर इतना बढ़ाया जाए कि हम इनमें आत्मनिर्भर हो जाएं। और सरकार की ये पहल 1960 के दशक में शुरू हुई थी और इसने काफी अच्छे परिणाम दिखाए, और हम बहुत जल्दी ही इन दोनों फसलों के उत्पादन में इतने अग्रणीय हो गए कि हम अपने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गए। इस उत्पादन में हुई बढ़ोतरी को आज भी हमारे देश में हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये हरित क्रांति 1960 के दशक में सरकार के द्वारा किए गए इन प्रयासों से आई। इन प्रयासों में हमने देखा कि कोई एक नहीं 3 या 4 प्रयास इकट्ठे थे, इसलिए कई बार इसे पैकेज टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। पैकेज इसलिए क्योंकि ये कई प्रकार के तरीकों का एक पुलिंदा था, एक इकट्ठा स्वरूप था, इसलिए इसको पैकेज टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो हरित क्रांति के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीजें कि कब आई थी, किन फसलों का उत्पादन बढ़ा था और किन किन तरीकों का प्रयोग करके उन उत्पादनों को बढ़ाया गया था, और उन उत्पादनों को बढ़ाने के पीछे जो उद्देश्य था, उद्देश्य को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना था, और उसमें हम काफी हद तक सफल हुए थे। लगभग कई गुणा गेहूं और चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बढ़ा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हमने
जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की उनमें सबसे पहले सस्ते ऋतुएं जो तीन हमने बताई, खरीफ, रबी, जायद, बोने और काटने का समय और प्रमुख फसलें। उसके बाद जो हमने सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पाठ का जो करवाया कि आजादी के बाद सरकार ने कृषि की दशा को सुधारने के लिए क्या प्रयत्न किए, उसमें हमने दो तरह के प्रयत्न संस्थागत और तकनीकी दोनों के बारे में उदाहरण के साथ बताया और अंत में हमने चर्चा की कि हरित क्रांति क्या है, इसको पैकेज टेक्नोलॉजी क्यों कहा जाता है, उसके बारे में बताया। आज के लिए हम इतना ही, बाकी आगे इसी चैप्टर के मुख्य बिंदु कल आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।